द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर हमें पता करना है। तो मान लीजिए कि वो नंबर एक्स है और सम करना है किसका, उसके रेसिप्रोकल का। तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। तो इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना, 17/4। तो लिख लिया 17/4। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन होगा, वन से डिवाइड करेंगे एक्स को तो एक्स आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। इस तरीके से एलसीएम लेना सभी को आता ही है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फोर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फोर मल्टीप्लाई में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन के, और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 से, तो इधर 17x हो गया। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अपने पास 4x स्क्वायर, और 17x को इधर लाएंगे -17x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4=0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से हम लोग देखें एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, 4 को इस कॉन्स्टेंट टर्म 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो 16 के ऐसे हमें नंबर्स चाहिए, टू नंबर्स की प्लस माइनस करने पर 17 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 16। तो 16 × 1, तो 16 और 1 वो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है और प्लस माइनस करने पर 17 आ ही जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4x² - 16x और -x, 1x को x लिखेंगे तो दोनों मिलाकर -17x होते हैं, प्लस में 4=0। इन दोनों में देखें तो हम लोग देखेंगे कि 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा माइनस, 4 × 4 = 16 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 अपनी जगह पे रहेगा =0। ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, और इधर है 4x - 1, तो इधर लिख लिया 4x - 1=0। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो x - 4 = 0 और 4x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इक्वल टू, ये प्लस माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और 4 आ जाएगा डिवाइड में तो 1/4। तो वो नंबर क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1/4 भी हो सकता है। इसको चेक भी कर सकते हैं, यदि 4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 16 + 1/4 ये आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17/4। ऐसे ही 1/4 नंबर मानेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो सॉल्व करने पर वही आने वाला है 17/4। तो इसके आंसर क्या हो गए, 4 और 1/4। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।